अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अफ्ताह नासर जी डी स्टूडेंट। लास्ट हमने रिव्यू एक्सरसाइज 13 जो है क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया था। अब हम करने जा रहे हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखेंगे, स्टेटमेंट समझ आती तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट में कहता है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, ये हमारे पास 3 पॉइंट है, आर नॉट द लेंथ ऑफ द ट्राई एंगल। कहते हैं कि ट्राई एंगल की लेंथ नहीं है, श्योर कर दिया उसने, बता दिया, हमने ये साबित करके दिखाना है कि इसकी रीज़न भी देनी साथ, गिव द रीज़न ये क्यों ट्राई एंगल के की लेंथ नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास सिनेरियो ये है, हमारे पास गिवन क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं गिवन दैट 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर आर नॉट द लेंथ ऑफ द ट्राई एंगल। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, हमने ये साबित करना है जी कि ये 3 जो लेंथ्स हैं ये एक ट्राई एंगल की नहीं है। तो लास्ट मैंने 2 चीज़ें आपको बताई हैं कि अगर मैं सम करता हूँ, एक हमारे पास थ्योरम था, थ्योरम 13.1 था, उसको चले ले लेते हैं साथ। हमारे पास था एक थ्योरम था 13.1.3, उसके अकॉर्डिंग ये था कि सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राई एंगल इज ग्रेटर दैन द लेंथ ऑफ द 3rd साइड। थ्योरम ये कहता था कि अगर हम कोई सी 2 लेंथ्स पिक करें, उनका सम करें, तो वो 3री से ग्रेटर होना चाहिए। मतलब जो जो हमने सम किया 2 लेंथ्स का, उनका जो आंसर आया वो 3री रह गई जिसको छेड़ा नहीं अभी तक हमने, इनका सम उसे ग्रेटर होना चाहिए। दूसरी हमारे पास चीज़ थी कि हमारे पास एक एग्जाम्पल थी हमारे पास चैप्टर 13 के अंदर, प्रूव दैट द ये द डिफरेंस ऑफ मेजर्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज लेस दैन द मेजर्स ऑफ द 3rd साइड। कि हम जब कोई 2 जो है ना ले लेते हैं साइड्स, उनका डिफरेंस देखते हैं, तो वो 3री से लेस होना चाहिए। तो हमारे पास अगर हम इसमें देखें, अगर हम रीज़न ही देख लें इसके अंदर, तो हमारे पास इसकी जो रीज़न है वो ये बन रही है कि अगर हम इसमें देखें कि ये 3, 4, इधर ये 5 सेंटीमीटर नहीं आता, ये 7 आता है। अगर हम ऐसा करें कि इन दोनों को ऐड करें, तो इसका जो सम है वो इससे 3री तक ग्रेटर आना चाहिए। तो हम ये चीज़ देख लेते हैं रीज़न में, हम अगर हम चेक करना चाहें, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम हमारे पास है 3 प्लस 4, तो इसको हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 7। तो सिनेरियो तो ये था कि ये इससे ग्रेटर हो जो 3rd वाली 7 से, लेकिन ये स्टेटमेंट इधर ट्रू नहीं है, तो ये ग्रेटर ही नहीं आ रहा इससे। जब इससे ग्रेटर ही नहीं आ रहा, तो हम इसको सिंपल कह सकते हैं कि ये 7 आया, इससे ग्रेटर नहीं आया। तो ये ग्रेटर नहीं है, तो इसका मतलब इसने इधर फर्स्ट जो पॉइंट है उधर ही कह दिया कि दैट इज़ रॉन्ग। तो हम कह सकते हैं सो नो ट्राई एंगल विल बी फॉर्म आप इसने स्टेटमेंट गलत कर दी, 7 7 से बड़ा तो नहीं हो सकता, ना 7 से छोटा हो सकता है। सम ऑफ 2 साइड्स, ठीक है, सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राई एंगल जी, ये हमारे पास जो इनका सम था वो 3री से ग्रेटर होना चाहिए था, लेकिन वो उसके इक्वल आ गया, तो उससे ग्रेटर नहीं है। ठीक है, नॉट ग्रेटर देन, तो सिंपल हम जब ये इसके ग्रेटर ही नहीं आया, तो उसने जो फर्स्ट जो 2 पॉइंट हमने लिए उस पर ही रॉन्ग हो गया। अब तो हमने सारे पॉइंट अगर चेक करते तो उसका स्नेलियो तो देखना था, तो देन द 3rd
सिनेरियो ये होता है कि ये जो सेवन आंसर आया, ये जो लास्ट हमारे पास बचता, अगर इधर 8, 9, 10 होता तो उस वक्त हम इधर कह देते कि ये हमारे पास उससे जो है ना ग्रेटर आ रहा है। तो लाइक ये 7 होता, इधर 3, 4, 5 कुछ भी हो जाता, 7 से लेस होता। तो ये स्टेटमेंट इधर, तो ये हमारे पास इसका 7 आंसर आया, तो इसने इधर साबित कर दिया कि ये हमारे पास 7 आ गया और 7 इतने हमारे पास इक्वल है, ग्रेटर नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन था क्वेश्चन 5, इसका आंसर इतना ही है। इसमें किसी किस्म का इशू होता हम उसे जरूर रब्ता करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।